जंगल के नदी से बहते हुए जा रही थी एक जलपरी। तेज तूफान की वजह से जलपरी चूड़ल के अंगन में आ जाती है। इसके बाद चूड़ल हंसते हुए जलपरी को उठा लेती है। वो जलपरी को अपनी तालाब में छोड़ देती है। बाप रे बाप, मछली की पहरेदारी करते करते मुझे बहुत तेज नींद आ गई। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, बहुत तेज नींद आ रही है। घर जाकर थोड़ा सो लेती हूँ। फिर चूड़ल वहाँ से उठकर अपने घर सोने के लिए चली जाती है। इतनी गहरी रात में कहीं कोई भी नहीं है। आसमान में पूनम का चांद और बरसात का बादल तैरते हुए जा रहा है। ऐसे ही गहरी रात में खेतो चोर लोगों के तालाब से मछलियाँ चुराने के लिए निकलता है। आज सुबह मैंने जंगल के बीच जो तालाब देखा था, आज उसी तालाब से मछली चुराऊंगा। तालाब के सामने जो घर है, लगता है कोई नहीं रहता। आज मुझे मछली चुराने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए खेटू चोर चुड़ैल के तालाब के सामने पहुंचते ही वो अपना जाल लेकर चुड़ैल के तालाब में फेंकता है। फिर जाल को ऊपर खींचते ही, अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इस तालाब में इतने दिनों से था, किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मैं जल्दी यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे देख लेगा। ये कहते हुए खेटू चोर मछलियाँ और जाल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सुबह होते ही चुड़ैल जब नींद से जागी तो बाहर आके देखा। ये क्या, मेरे तालाब से मछलियाँ बाहर कैसे आई? आज तो बारिश भी नहीं हुई जिससे तालाब से मछलियाँ बाहर आ जाएगी। अरे यहाँ तो तालाब का कुछ कचरा भी दिख रहा है। लगता है कि ये जाल से निकला होगा। आखिर हुआ क्या, देखना पड़ेगा। चुड़ैल अपनी दिव्य दृष्टि से तालाब के पानी के अंदर गहराई तक देखती है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, किसी ने मेरी पूरी तालाब खाली कर दिया है। तभी चुड़ैल थोड़ा आसपास ढूंढते ही उसे दिखाई देता है। ये क्या, ये तो किसी इंसान के पैरों की निशान है जो कीचड़ में साफ साफ दिख रहे हैं। देखो तो ये निशान किस दिशा में गए हैं। फिर चुड़ैल उस निशान का पीछा करते हुए कुछ दूर जाते ही वो समझ जाती है कि वो चोर किस गांव की तरफ गया है। फिर अपना रूप बदल कर गांव के अंदर जाके देखती है। अरे भैया, बहन जी, ले जाओ ले जाओ, बस कुछ ही मछलियाँ बची हैं। जो ये मछली खाएगा वो भाग्यशाली होगा। अच्छा, मछली खाके भाग्यशाली होंगे? मैं इन मछलियों को देखकर ही पहचान गई कि ये मेरे तालाब का है। बदमाश चोर मेरी मछली चोरी करके यहाँ बेच रहा है। रोक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर चोरी करना ही भूल जाएगा। और जिसने भी तेरे से मछलियाँ खरीद के ले गया है उन्हें भी सजा दूंगी। चुड़ैल उस दिन फिलहाल वापस चली आती है। फिर अगले दिन एक भिखारी का वेश धारण करके, मुझे कुछ खाने के लिए दोगी? थोड़ी तली हुई मछली मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अब तो ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, मरने से पहले ये आखिरी इच्छा मछली खिला के तू पूरी कर दे बेटी। अब ऐसा मत कहिए, अब बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा तुम यही खेलो, कहीं मत जाना, मैं अभी आई। जैसे ही वो औरत अंदर जाती है, चुड़ैल उस बच्चे को उठाकर जादू से मछली बना के अपने थैले में भर लेती है। इसी तरह चुड़ैल पूरे गांव में घूमते हुए गांव के सारे बच्चों को मछली बनाकर अपनी थैली में भरने लगती है। अब समझ में आएगा, ये
मेरे तालाब की छुड़ाई हुई मछलियाँ खाने का क्या अंजाम होता है। फिर चुड़ैल जंगल में वापस आकर अपने तालाब के पास जाते ही वो असली रूप में आ जाती है। इसके बाद वो अपनी थैले से मछली बने बच्चों को तालाब में छोड़ते हुए कहती है, जाओ अब तालाब में रहो, अभी तो तुम छोटी मछलियाँ हो इसीलिए पानी में छोड़ रही हूँ। जब बड़ी मछलियाँ बनोगी तो मैं रोज एक एक को पकड़ूंगी, काटूंगी और तल के खा जाऊंगी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमें मछली बना दिया। हमें घर जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। माँ के पास, पिताजी के पास जाना है। जब मेरे तालाब के मछलियाँ खा रहे थे तो याद नहीं आया। अब तुम मछलियाँ बनकर मेरे तालाब में रहोगी और जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। किसने तुम्हारे तालाब में मछली चुराए? हमने तो नहीं चुराए, फिर हमें क्यों मछली बना दिया। चुड़ैल और कुछ कहे बिना अपने घर की ओर चली जाती है। इधर मछली बने छोटे बच्चे तालाब के अंदर रोने लगते हैं। उधर तब कोई है इधर, मेरे बेटे को किसी ने देखा है, कोई मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे भी अपनी बेटी नहीं मिल रही है, वो कहाँ गई होगी। पूरे गांव में एक भी बच्चा नहीं है, सारे बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? अब क्या होगा, हमारे गांव पर ये कौन सा अभिशाप आ गया। गांव के चारों तरफ से रोने की आवाज आने लगती है। सभी चिंतित और बहुत डरे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तभी आसमान में काले बादल छा जाते ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। देखो, मुझे लगता है कि हमसे जरूर कोई गलती हुआ है जिसके वजह से भगवान इतने नाराज हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो काका, न जाने किस अभिशाप का फल सबको भुगतना पड़ रहा है। इतनी रात को इस तूफान और बारिश में हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो गलती हुई है उसे माफ करके गांव के सारे बच्चे को वापस लौटा दें। हाँ, 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 आपने बिल्कुल सही कहा। इधर बारिश और तूफान और तेज होते ही जा रही है, जैसे पूरी दुनिया अभी पलट जाएगी। जंगल के सारे पेड़ हिलने लगते हैं, तालाब का पानी नदी का पानी उथल पुथल करने लगता है। ऐसी स्थिति में जंगल के नदी से बहते हुए जा रही थी एक जलपरी। तब जलपरी तेज तूफान की वजह से चुड़ैल के आंगन में आ जाती है। बाप रे बाप, ये कैसे बारिश और तूफान आ गया है। ऐसा लग रहा है कि तालाब का सारा पानी बहकर मछलियाँ भाग जाएगी। आज पूरी रात तालाब के किनारे पहरा देना पड़ेगा। ये कहते हुए चुड़ैल घर से बाहर आते ही देखती है, अरे ये क्या, एक जलपरी ये मेरे आंगन में कैसे आ गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, नदी में तैर रही थी, अचानक तेज तूफान के वजह से नदी में लहर उठी और उस तूफान के वजह से ही आपके आंगन में आ पहुंची। वाह, ये तो कमाल हो गया। आज तो लगता है कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। आधा इंसान और आधा मछली, ना जाने कितना स्वादिष्ट होगा। क्या आप मुझे उस नदी तक छोड़ देंगे? मैं अकेले ये स्थल भाग पार करके नदी तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तुम्हें नदी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम भी मेरे इस तालाब में ही रहोगी। जब मेरा मन करेगा तब तुम्हें काट कर खाऊंगी।
मतलब तुम मुझे कैद करके रखना चाहती हो, मुझे खाना चाहती हो। तुम बहुत बुरे हो, एक चुड़ैल हो। हाँ, मैं एक चुड़ैल ही हूँ। इसके बाद चुड़ैल हंसते हुए जलपरी को उठा लेती है। छोड़ दो मुझे बदमाश चुड़ैल, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसका सजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं कहती, वो जलपरी को अपनी तालाब में छोड़ देती है। और जलपरी को तालाब में देखकर मछली बने छोटे बच्चे को थोड़ा राहत महसूस होता है। डरो मत जलपरी, वो चुड़ैल तुम्हारे जैसे हमें भी इस तालाब में कैद करके रखे है। ये क्या, तुम इंसानों की तरह बात कैसे कर रहे हो? हम इंसान ही हैं। चुड़ैल ने जादू करके हमें मछली बनाकर इस तालाब में कैद करके रखा है, बाद में हमें काट के खाएंगे। वो चुड़ैल ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया और तुम सब यहाँ आए कैसे? वो चुड़ैल हमारे साथ ऐसा क्यों किया ये तो हम भी नहीं जानते जलपरी। लेकिन एक दिन दोपहर को जब मैं खेल रहा था तब। इसके बाद छोटे मछलियाँ जलपरी को पूरी कहानी सुनाती है। जलपरी सब कुछ सुनने के बाद कहती है, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी और उस चुड़ैल को सबक सिखाऊंगी। इसके लिए तुम सब के साथ मिलके मुझे एक योजना बनानी होगी। डायन तालाब के बीच में फेंक देती है और ये जाल गहरी पानी में जाने लगे सारे मछलियों को पकड़ने के लिए। काल बैसाखी की तूफान और तेज बारिश के कारण मछली डाइन के तालाब पानी से भर गया था। मछली डाइन ने बड़े प्यार से जो रहू, कातला, मृगल मछली पाले थे वो सारी मछली तालाब से निकलकर डाइन के आंगन में बड़ी खुशी से खेल रहे थे। तूफान और बारिश तेज होने लगे। इधर मछली डाइन कुठी में बैठ के बहुत ही चिंतित हो रही थी। मेरी प्यारी रहू, कतला, मृगल मछलियाँ क्या कर रही है क्या पता? अगर मेरी तालाब के पानी भर जाए तो सारे मछलियाँ भाग जाएगी। मैं जाके देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। ऐसे तूफान और बारिश में मछली डाइन दरवाजा खोलते ही आंगन में देखती है। बारिश में सभी मछलियाँ खुशी से झूम रही है। मैंने जो सोचा वही हुआ, बदमाश मछलियाँ तालाब में मन टिकता ही नहीं। तुम सबको बस में रखने के लिए लगता है तालाब के पानी में जलपरी को लाना पड़ेगा। जाओ जल्दी से तालाब के पानी में लौट जाओ। मछली डायन बारिश में भीगते हुए सारे मछली को भगा के तालाब के ओर ले जाते हैं। फिर सारे मछली तालाब के पास पहुंचते ही पानी में चला जाता है। इसके बाद वो आसमान की ओर देखती है। आखिरकार ये बारिश तूफान आज रुका, लेकिन आज रात के आसमान ऐसे मायावी क्यों लग रही है? लगता है आज रात में ही कुछ घटने वाला है। मेरी सारी मछलियाँ तो तालाब में ही है, मेरा क्या, मैं घर जाके थोड़ी आराम कर लेती हूँ। लेकिन इस मायावी आसमान को देखकर डायन जो सोची थी वही हो रहा था। दूर आसमान से उड़कर आ रही है दो इच्छाधारी परी। अरे नीलिमा परी, देखो उस छोटी सी कुटीर के पास कितने बड़े तालाब। हम कितने दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ, हमें थोड़ी आराम कर लेना चाहिए। और इधर आसपास में कोई घर भी नहीं है, कोई हमें देख नहीं पाएगा। तुमने ठीक ही कहा लालिमा परी, सुबह होने में और देर नहीं है। आसमान में रोशनी दिखाई दे रहा है, सच में हम थक चुके हैं, अभी हमें आराम करना चाहिए। चलो किसी जगह रुकते हैं, रात में हम फिर से हमारी गंतव्य के लिए रवाना होंगे। लेकिन नीलिमा परी, उस घर के कोई इंसान अगर हमें देख ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बल्कि हम जल परी के रूप लेके सीधा उस तालाब की गहरे पानी में आज रात के लिए रुक जाते हैं। चलो
तभी नीलिमा परी और लालिमा परी आसमान से अदृश्य होकर एकदम सीधा गहरी तलाब के अंदर जलपरी की रूप लेकर तैरने लगी। तभी सुबह हो चुका था। तालाब के साफ नीले पानी में उन दो परियां चारों ओर इतने सारे मछली देखकर बहुत खुश हो रही थी। नीलिमा परी, देखो इस तालाब में कितने सारी मछली। हम दोनों जलपरी की रूप धारण की है, लेकिन इस तालाब की मछलियाँ हमें देखकर सोच रही है कि उनकी देश में सच में कोई जलपरी आ गई है। लगता है सारे मछलियाँ बहुत खुश है, हमें देख के इधर उधर खेल रही है। लेकिन देख रही हूँ कोई साहस करके हमारे पास नहीं आ रहे है। सुबह होते ही मछली डायन अपनी कुठीर से निकल के तालाब की ओर जाने लगे। फिर तालाब के किनारे खड़े होकर मन ही मन कुछ कहने लगे। उस दिन बड़ी आस में नाव लिए मैं मछली पकड़ने गई थी। वो बड़े वाले कतला मछली इतना जोर से खींचा, मेरी वो नाव ही टूट गई। सारे बदमाश मछलियाँ खा खा के बहुत मोटा हो गया है। आज सबको जाल से पकड़ूंगी। उस दिन मेरी नाव तोड़ के भागी थी ना, अब इस जाल से बच के दिखाओ। तालाब के किनारे से वो जाल हाथ में लिए डायन तालाब के बीच में फेंक देती है और ये जाल गहरी पानी में जाने लगे सारे मछलियों को पकड़ने के लिए। लालिमा, लालिमा हट जाओ वहाँ से, जल्दी हट जाओ। नीलिमा परी की बात खत्म होने से पहले ही लालिमा परी डाइन के फेंकी हुई जाल में फंस जाती है। ये क्या, मछली पकड़ने की जाल यहाँ कहाँ से आ गई? पानी के नीचे मैं तो बंदी बन गई। नीलिमा परी मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रही है, मुझे बचाओ नीलिमा परी, नीलिमा परी, नीलिमा परी। हम दोनों ही इच्छा धरी पड़ी है, हमारे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। नीलिमा परी मुझे इस जाल से कोई खींच के ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जल्दी मुझे छुड़ाओ, इस जाल से छुड़ाओ मुझे नीलिमा परी। आहा, लगता है आप जाल में फिर से वो मोटा वाला कतला मछली फंसा है। अरे बाप रे, कितना भारी है, मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ, खा खा के बहुत मोटा हो गया है। रुक, पहले ऊपर तो लाऊं तुझे, फिर मैं गर्मा गर्म तली हुई मछली खाऊंगी। मछली डायन पूरा ताकत लगा के उस जाल को खींचकर ऊपर लाने लगी। मैं पूरी ताकत लगा के ये जाल खींच के जितने तालाब के गहरे पानी में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी ताकत ऊपर वाले शक्ति के आगे कम पड़ रही है। शायद अब मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगी लालिमा। मछली डायन जाल को खींचते हुए लगभग पूरा ऊपर ला चुका था और साफ दिखाई दे रहा था कि जाल में आज कौन सी चीज फंसा है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, आधा खूबसूरत लड़की जैसी और आधा मछली की शरीर जैसी, तो क्या मैं जो सोच रही हूँ ये वही है? मैं जल्दी जाके मेरी वो चमकीले तेज चाकू ले आती हूँ। मछली डायन उसकी जाल में फंसी हुई ये अद्भुत जीव को देखकर खुशी से उछलते उछलते वो घर की तरफ जाने लगे। तभी इधर लालिमा परी के मन में अचानक एक बुद्धि खिल जाती है। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है, जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे, और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।